हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है, उसके बाद हम बना रहे हैं आंवले का हेयर ऑयल। तो आंवले का हेयर ऑयल बनाने के लिए हमने पहले आंवले को काट लिया है चाकू से और गुठलियाँ इसकी अलग कर दी हैं। तो पहले हम इसको मिक्सी में पीस रहे हैं और ये बिना किसी पानी या तेल के डाले, ऐसे तो पीसेगा नहीं, तो पानी इसमें डालते नहीं हैं। इसको इसमें पहले हम डाल रहे हैं, इसमें हम डाल रहे हैं कड़वा तेल। कड़वा तेल डाल के इसको हम पीसेंगे तो ये आराम से बिल्कुल महीन पीस जाएगा। और थोड़ा सा इसमें नारियल का तेल भी डाल रहे हैं, तो लगभग एक कटोरी से थोड़ा कम कड़वा तेल डाला है और थोड़ा हमने इसमें डाला है आधी कटोरी लगभग नारियल का तेल। तो दो नारियल का तेल भी पड़ता है, तो दोनों तेल डालने के बाद अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे तब ये अच्छे से पीस जाएगा। और ये देखिए, हमने जब उसको डाल के पीसा है तो इस तरह से पेस्ट जैसा बन गया है। और इसको अब हम लोहे की कढ़ाई में पकाएंगे और वो भी हम बिल्कुल धीमी धीमी आँच इसको पकाएंगे। तो ये लोहे की कढ़ाई में पकाने से इसमें थोड़ा सा आयरन भी आ जाता है और इसमें आराम से धीमी धीमी आँच पकाते रहेंगे जब तक हमारा उधर दूसरा काम भी होता रहेगा, खाना भी बनता रहेगा, और धीमी धीमी आँच हमारा ये तेल भी पकता रहेगा। और इसको बिल्कुल धीमी आँच पे ही पकाना है, गैस को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो ये जल भी सकता है और जलाना नहीं है हमको, सिर्फ ब्राउन होने तक ही इसको पकाना है। ये देखिए, धीमी धीमी आँच में ये पक रहा है अभी, तो बस ये धीरे धीरे पकता रहेगा और हम थोड़े बहुत इधर उधर के और अपने काम भी निपटाते रहेंगे। तेल पक चुका है और इसको किसी भी कॉटन के कपड़े से, पुराने नए किसी भी कपड़े से, बस कपड़ा महीन होना चाहिए, उससे छान लें। तो ये देखिए, इससे हम छान रहे हैं और ये चिमटे की सहायता से दबा दबा के इससे सारा तेल निकाल रहे हैं। और इस तेल को अगर बहुत काला करना है तो आप इसमें 7-8 घंटे के लिए कढ़ाई में छोड़ भी सकते हैं, और रात में अगर पका रही हैं तो रात भर भी रख सकते हैं। रात भर रखने में ये होगा कि आंवला जो है तेल अपने में थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेगा, तेल कम निकलेगा। तो हम रख तो नहीं रहे हैं, काफ़ी पक भी गया, थोड़ा सा ज़्यादा ही पक गया है। साथ ही साथ दोपहर का और काम भी करते जा रहे हैं, खाना भी बनाते जा रहे हैं, फिर भी जल नहीं पाया, ब्राउन ब्राउन हो गया। और ब्राउन होने तक ही पकाना है, बस काला नहीं करना है इसको पकाते समय। अच्छा खासा तेल निकल आया है, तो हमारा तेल ये देखिए, थोड़ा सा अभी और छानेंगे, आपको दिखा दिया इतना छान के कि हमने इतना तेल बनाया है। में हमने बनाया है दाल मखनी, रोटी और चावल। चावल और खाना हमने लगा भी दिया है सबका। उसके बाद हमने कर दी है अपने किचन की सफाई, और बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, दीदी आओ बाहर आओ बैठो आके। तो हम ये जो बस अभी बाहर जा रहे हैं। तुम हटाओ का तुरंत अपने मोबाइल छीन लेंगे, चलो दूर से दिखा रहे हैं। देखिए इतनी देर से बाहर बैठी हैं, धूप भी नहीं निकली है और तब से हमसे बोले जा रही हैं दीदी आओ बाहर आए हैं। तो मौसम ठंडा बज गया है 4, मगर बाहर बैठे भी न चैन का है। तो हम तो अपना सारा काम खत्म करके आए हैं, इन लोगों का काम खत्म होता है जल्दी। एक ये बैठी हैं, इधर से दिखाए इनको जरा, अभी डिलीट करवाएंगे बहन। वह तुम डिलीट कैसे कर रही हो, हमसे ऐसे ही बोलती हैं जैसे हमने अभी बोला है, वो ऐसे ही बोलती हैं कि ये बैठी हैं और एक ये उनका देखो नहीं हमका हमार फोटो हट जाएगी। जिस चूल्हे में हमने चाय बनाई थी वो चूल्हा हमको बना के इन्हीं अम्मा ने दिया था, ये जो बैठी हैं। ये हमारे यहाँ दूध देता है कल्लू, उसकी अम्मा है, इन्हीं से हमने चूल्हा बनवाया था। इन लोगों के पास थोड़ी देर बैठने के बाद हम जा रहे हैं अपनी बहन के घर, एक हफ्ते से हम मिले नहीं हैं। और ये है मेरी काम वाली बिट्टी, यही हमसे कह रही थी चलो तुमको दीदी बुला रही हैं। तो इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलो,
हैं तो ये बच्चे ना हमको देख के कह रहे हैं मीनू आ गई। हाय गाइस, तो ये अभी मेरे टोस्ट में लगा रहे हैं मक्खन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। फिर इनका भी मन कर जाए तो ये एक और अपने लिए भी बनाने लगे। मेरा वाला टूट भी गया है, आधा आधा दो बार में खाएंगे हम। कहाँ की तैयारी हो रही है? जा रहे हैं घूमने। अब कहीं नहीं जाना, चुप्पे बैठो यहीं। रात हो गई है और तब भी अभी चले आ रहे हैं, फिर चल दिए। अब ही तो मैं जवान हूँ। देखिए कहीं जाने की फिर इनकी तैयारी हो रही है, अभी आए हैं फिर तैयारी में लगे हैं कहीं जाने की। नहीं ठंड है, ऊपर से इतनी रात हो रही है। तो हमने रात के खाने में बनाई है मैगी, और मैगी इसलिए बनाई है कि वो खाना जो हमने दोपहर में बनाया था वो थोड़ा रखा हुआ है, ज्यादा किसी की भूख भी नहीं थी। अगर हम कुछ बना लेते तो क्या कहते हैं सब लोग, वो खाना फिर बेकार हो जाता। अगर हम कुछ और बना देते तो सबने अभी खा लिए थोड़ी थोड़ी सी मैगी, और जिसके भूख लगी है तो दोपहर वाला खाना भी रखा है वो खा लिया जाएगा गर्म करके। और तो बस इसके साथ हम ये जो हमने आज ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो आंवले वाला तेल बनाया था ये हम अक्सर बना लेते हैं, कभी आंवले का तेल, कभी नीम वाला तेल, मीठी नीम का पत्ती पका के करी पत्ता जो आता है वो पका लेते हैं, तो और कभी प्याज वाला ही बना लेते हैं। और ये सब हमको ऐसे आता है कि हमने जब हम अनमैरिड थे तब हमने ब्यूटिशियन का कोर्स किया था, तो हमको नोट्स लिखवाए गए थे तब, और हमने पार्लर भी चलाया हुआ है। हम शादी के पहले भी हमने पार्लर अपना खोल रखा था, फिर अपने फ्रेंड के साथ में पार्लर में काम भी करते थे। और जब मेरी शादी हो गई तो हमने मौदहा में कम से कम 10 साल पार्लर चलाया, उसके बाद हम लखनऊ शिफ्ट हो गए, लखनऊ में भी हमने पार्लर चलाया है। तो अब हम 2-3 साल से पार्लर का काम नहीं करते हैं, तो उसी सब चीज़ों से हमको ये चीज़ आती है, हमको बहुत सी चीज़ें। तो हमको जो हम सीख रहे थे तो नोट्स लिखवाए गए थे और सिखाया भी गया था सब कुछ, तो हमको स्किन केयर के बारे में या हेयर केयर के बारे में भी सब पता है। तो अब हम सोचते हैं जो हमको पता है तो हम अपनी जानकारी आप लोगों के साथ भी शेयर करें, तो इसीलिए अब हम सोचते हैं जब हम वीडियो बनाने लगे हैं तो कुछ ना कुछ आप लोग के साथ शेयर करते जाए। तो बस यही कुछ आपको बताना था। और खाते हैं मैगी अभी हम, तो आप बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि हम वीडियो ढंग से बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर कोई कमी लगती है मेरी वीडियो में तो आप लोग हमको बताइए तो हम उसमें सुधार भी ला सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।